बहुत शांति मिलती है। आप भी प्रतिदिन भक्ता मर्जी का पाठ करा कीजिए। अरे भैया, ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मुझे इन सब चीजों पे विश्वास है। मुझे घर के बहुत काम होते हैं। आपको बता नहीं है, स्टोरी का पाठ करने से मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, तो मैंने 21 दिन का 21 बार भक्तामा जी के 45वें शुभ पाठ में किया था। अब मेरी तबीयत में बहुत खराब हो गया है। अरे भैया, अगर आपको विश्वास है और आपको फायदा होता है तो आप करिए। मुझे मार्केट जाना है, मैं तो चलती हूँ। अभी
सारे स्वयं ही लौट गए थे। अच्छा जी, हाँ भाभी, भक्तांबर स्रोत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है, इसीलिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, चाहे वो जैन हो या अजैन, वो सभी भक्तांबर की शक्ति और महिमा को बहुत ही मानते हैं। अच्छा अच्छा प्रिया, एक बात तो बता, तुझे भाभी भक्तांबर स्रोत पढ़ने का निश्चित समय होना चाहिए क्या? नहीं नहीं भाभी, भक्तांबर स्रोत पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता। भक्तांबर स्रोत को हम प्रातः काल में, दोपहर में, सायंकाल या रात्रि में कभी भी पढ़ सकते हैं। बस भक्तांबर स्रोत को हमें संस्कृत में पढ़ना चाहिए और उसका शुद्धता से उच्चारण करना चाहिए और पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ आदिनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। अच्छा भैया, आपकी बीमारी भी तो सही हो गई थी भक्तांबर पढ़ने से? जी भाभी, भक्तांबर इस स्रोत में अलग अलग श्लोकों का अलग अलग महत्व है। इसका हर एक श्लोक बहुत ही शक्तिशाली है और हर तरह की बीमारी और समस्या को दूर करने में सक्षम है। मेरी बीमारी तो बहुत छोटी सी थी, भक्तांबर स्रोत का उच्चारण करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी तक दूर हो जाती है। आजकल विदेशों में भक्तांबर स्रोत का उच्चारण करके ही जाने कितने कैंसर के रोगियों को ठीक किया जा चुका है और आज की डेट में भी किया जा रहा है। अच्छा भैया जी, अच्छा भैया, अब तो मुझे सुनकर आप भक्तांबर स्रोत पे बहुत ही विश्वास होने लगा है। अब मैं भी प्रतिदिन भक्तांबर स्रोत का शुद्ध उच्चारण करूंगी। और आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, आप सब भी शुद्धि से भक्तांबर स्रोत का उच्चारण कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का अनुभव हो। धन्यवाद। जय जय जय।